व्यंग्य का शीर्षक है छप्पन टिकली का जेल से छूटना। उस दिन जेल के आजू बाजू गजब की भीड़ थी। मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक पान वाले से पूछा, भैया जेल से कोई कबूतर उड़ गया है क्या? वह पीक भरे मुंह से अपने जमीन पर नक्काशी करते हुए बोला, कल्लू कबाड़ी वाले को जमानत मिल गई है, वही बाहर आ रहा है। मेरी आंखों के सामने बाहुबली कल्लू कबाड़ी उर्फ छप्पन टिकले का चेहरा घूम गया। अपराध क्षेत्र में अप्रतिम प्रगति देख गुर्गो ने उसे छप्पन टिकली नाम से अलंकृत किया है। वैसे अपराध जगत ने सामाजिक स्तर पर बहुत उन्नति की है। पहले जितना सम्मान किसी वेदाचार्य को प्राप्त होता था, आज लोग झक मारकर उससे कहीं ज़्यादा अपराधाचार्य को दे रहे हैं। पहले किसी प्रकांड पंडित से आँख मिलाने में डर लगता था, अब किसी गुंडाधिपति से नजरें चार करने की हिम्मत नहीं होती। मैंने स्कूटर सड़क किनारे खड़ा कर अपनी गर्दन जेल की तरफ घुमाई। क्या ही नयनाभिराम दृश्य था। कारागृह के बाहरी द्वार पर बे इंतहा भीड़ थी। हर किसी की आँखों में छप्पन टिकली की एक झलक पाने की ललक थी। उसके यशोगान में नारे गूंज रहे थे, स्वागत गीत गाए जा रहे थे, मिठाइयाँ थक बट रही थी। ढोल वाले पूरी ताकत लगाकर ढोल को बजाने के अंदाज में पीट रहे थे। हालांकि ढोल भी किसी शातिर अपराधी की तरह बेशर्म हो चले थे। लाल पीले फूलों का ढेर लगा देख ऐसे लगा मानो शालीन फूलों को भी छप्पन टिकली के कदमों में बीत जाने को मजबूर किया गया है। एकाएक कारागृह के दरवाजे पर शोर बढ़ा और छप्पन टिकली सिर झुकाए हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन करते हुए प्रकट हुआ। कारागृह बनाम धुलाई केंद्रों की गुणवत्ता पर मुझे नाज हो आया। नूडल्स जैसा घाग अपराधी भी सिवैया जैसा सीधा होकर निकल रहा है। लेकिन अगले ही पल टिकली घर जा तो मेरे मुगाल से दूर हो गए। वो तो जेल के निकासी द्वार छोटे होते हैं, वरना खुद्दार अपराधी को क्षण भर भी अपना सिर झुकाना गवारा नहीं होता। कलब चढ़े कुर्ते की सफ़ेदी और धारदार स्त्री देखते ही बन रही थी, गोया वह पांच सितारा होटल से बाहर आ रहा हो। चेहरे पर गजब का नूर था। सजायाफ्ता लोगों के चेहरे का बढ़ता नूर देखकर कभी कभी लगता है कारागृहों का मूल कार्य अपराधियों को सुधारना नहीं वरन उन्हें परिष्कृत करना हो गया है। और जनाब देखते ही देखते रंग गुलाल ढोल धमाकों के बीच वह असामाजिक प्राणी सभ्य समाज में गुम हो गया। तो मित्रों, यह था व्यंग छप्पन टिकली का जेल से छूटना। आपको व्यंग कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।